हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चिकन तंदूरी कैसे बनाई जाती है। ये मैंने चिकन के दो लेग पीस लिए हैं, अब मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिए हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स है, लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर है, नमक है, गार्लिक और लहसुन की पेस्ट है, 1 कप दही है, कलर है, ये तंदूरी मसाला है जो ईजिली मिल जाता है मार्केट में, 1 स्पून लेमन जूस है और हल्दी है, 1 स्पून हल्दी। अभी मैं चिकन को मैंने ये कट कर लिए है पहले से, ये देखिए, ये मैंने चिकन को ऑलरेडी कट कर लिया है। अब ऐसे कट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, आप इसको अच्छे से रब कर दीजिए लेमन जूस को। कट मैंने इसलिए किया है ताकि मसाले पूरी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं और अच्छे से मैरिनेशन हो पाए। इसको अच्छे से आप लेमन जूस आगे पीछे दोनों साइड लगा लेंगे। ये आपको हाथ से ही करना है, स्पून से नहीं करना है, ताकि पूरे चिकन को अच्छे से लेमन पूरा मैरिनेशन होना चाहिए। अभी मैं इसको मैरिनेशन करने वाली हूँ। थोड़ी सी मैं डालूंगी इसके ऊपर हल्दी, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, नमक अपने स्वाद के हिसाब से डालिए नमक। और ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर डालने वाली हूँ मैं इसके ऊपर। अभी मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करने वाली हूँ। को पूरा अच्छे से मसाले अंदर लगने चाहिए, आगे पीछे दोनों साइड मैरिनेशन कर लें। थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाल दिए फिर से। तंदूरी मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लें, मैरिनेशन अच्छा होना चाहिए ताकि तंदूरी अच्छे से पक जाए। मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ये देखो चिकन कितना अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसको 2 या 2.5 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए चिकन मैरिनेट हो गया है, मैंने इसको फिर से निकाल दिया। अभी मैं इस पे पैन पे डालूंगी। पहले मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच ऑयल। बटर को थोड़ा अच्छे से गर्म होने देंगे। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें को हम 5 मिनट के बाद दूसरी साइड से पका लेंगे। पहले एक साइड से पका के फिर दूसरी साइड से पका लेंगे। ऐसे 10-15 मिनट में हम ऐसे
आगे पीछे करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। ये देखो चिकन कैसे पक रहा है। मैं इसको 10 मिनट के लिए कर दूंगी। देखो अभी मैं ढक्कन खोल के देखती हूँ। मैं इसको अभी टर्न करूंगी नेक्स्ट साइड से, ट्राई करूंगी कैसे गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेप में भी हम इसको ढक के रखेंगे। ये देखो मैं फिर से अभी एक बार और इसको टर्न कर लूंगी। कलर कितना गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो गया है। इसको और 10-15 मिनट तक हम पकाएंगे और फिर तंदूरी रेडी हो जाएगी। ये देखो चिकन बन गई है। अभी मैं इसकी प्लेटिंग करने वाली हूँ। मैं गैस ऑफ कर दूंगी। मैं भी इसको करूंगी प्लेटिंग। मैंने चिकन को एक बॉल में डाल दिया है और मैंने यहाँ पे एक चारकोल मैंने गैस पे गर्म करने रख दिया है। अब मैं एक कटोरी लूंगी, इसको अच्छे से गरम कर ले चारकोल को। चारकोल गरम हो गया है, मैं इसको इस कटोरी में डालूंगी। अब इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ थोड़ा बटर और इसको जल्दी से हम ढक देंगे। 2 मिनट के बाद मैं इसको खोल लूंगी और ये देखो हमारी तैयार है चिकन तंदूरी। ये कटोरी में यहाँ से निकालूंगी। अब मैं इसको प्लेटिंग कर लूंगी और गार्निशिंग हो गई है और ये रेडी है आपकी चिकन तंदूरी। ये आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।